हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ कुर्ता जो है वो शेयर करने वाली हूँ। कुर्ता सेट है ये अनारकली कुर्तियाँ हैं और आलिया कट या फिर आप इसे नायरा कट जो है वो भी है इसमें, सिंपल कुर्ती भी है। तो मेरे पास 3 से 4 यहाँ पे कुर्ती है और यहाँ पे मैंने मोस्टली जो है वो मीशो से मंगाया हुआ है। एक जो है वो अलग ब्रांड से है और अलग साइट से भी है, मिंत्रा से मंगाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहली वाली कुर्ती किस तरह की है। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और ये सब काफ़ी ट्रेंडिंग कुर्तियाँ हैं तो आपको आसानी से मीशो पे देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले जो है वो है ये कुर्ती। तो ये आलिया कट कुर्ती है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये इसका नेकलाइन है, कुछ इस तरह का है। अच्छा, ये जो है कलर भी आपको जो इसमें दिख रहा है, ये सेम कलर ही आपको मिलने वाला है और इसमें और कलर ऑप्शन नहीं है, सेम यही कलर है। इसमें जो मैंने साइड परचेज किया है ये है मीडियम साइज़, और ये मुझे अराउंड 650 के आसपास मुझे मिल गया था। जो भी इसका प्राइस होगा वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और काफ़ी अच्छी है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी रिच लुक देती है। साथ ही साथ ये जो है इसके साथ आपको जो इसका बॉटम है कुछ इस तरह से मिलता है, इस तरह का है ये कपड़ा, इस तरह से है ये। और इसमें आगे आपको इस तरह से बेल्ट टाइप की मिल जाती है बेल्ट, और पीछे जो है ये इलास्टिक दिया हुआ है इस तरह से। काफ़ी अच्छा है, स्ट्रेचेबल है, तो आसानी से ये आपको हो जाता है। पैंट का जो कपड़ा है ये भी काफ़ी अच्छा है, बहुत थिक मटेरियल है, बहुत अच्छा है, बहुत इजीली आपको ये आ जाएगा। अगर आप, आपकी थाई बहुत ज़्यादा मोटी है, आप एक साइज़ अप लेते हैं, तो जो साइज़ अगर आप वो भी साइज़ लेंगे तो भी ये आपको आसानी से फिट आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है और काफ़ी कंफर्टेबल है बैठने उठने में। तो ये इसका पैंट का कपड़ा हो गया। उसके बाद जो इसका दुपट्टा है वो इस तरह का है दुपट्टा, और इसमें इस तरह से बॉर्डर लगी हुई है चारों तरफ से। दुपट्टे की जो लेंथ है, अच्छा चौड़ाई जो है दुपट्टे की, ये तो अच्छी है, ये चौड़ाई जो है काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं ये अच्छी है। और इसकी लेंथ भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। तो ये है इसका, तो ये पूरा कुर्ता है, कुर्ती सेट है यानी कि, और ये आलिया कट में है। जो नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी कुर्ती है, मीशो में बहुत लोग इसे ले रहे हैं, लेकिन वो जो कुर्ती सब ले रहे हैं वो स्पेगेटी स्टाइल में है, तो बहुत लोग उसे पहनना प्रेफर नहीं करते हैं स्पेगेटी स्टाइल में। तो उसमें ही ये जो कुर्ती है ये आया हुआ है और इसमें स्लीव लगा हुआ है, तो आप चाहे तो आप इसे ले सकते हैं। मुझे ये पर्सनली काफ़ी पसंद आया। अच्छा, ये देखने में काफ़ी सिंपल लगता है, ये वाली है कुर्ती, और इसमें इस तरह से बॉर्डर है, हाथों में भी इस तरह से बॉर्डर है। ये साइड कट है, और साइड कट जो है वो थोड़े ऊपर से है यानी कि आपके बस्ट एरिया से थोड़ा सा नीचे, और उसके बाद ये कट जो है ये स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से इसमें ये बॉर्डर है और इसका वर्क कुछ इस तरह से है, साइड पे है। अच्छा, ये कुर्ती देखने में आपको सिंपल लगेगी, जब आप इसे पहनेंगे तो ये जो है कुर्ती इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से है, इसका लुक बहुत अच्छा आएगा साइड पे, और नीचे में इस तरह से आपको वर्क मिल जाएगा, प्लेन सिंपल सा है। अब इसका जो नीचे का प्लाजो है ये भी बहुत अच्छा है, इसमें जो है ये कुछ इस तरह से कट है। ये थोड़ा सा एंगुलर शेप में है, जब आप पहनेंगे तो थोड़ा सा ये एंगुलर शेप में आ जाएगा। अच्छा, कुर्ती जो है कुर्ती भी नीचे से एंगुलर शेप में ही है, मतलब ये ट्रायंगल शेप में आ जाती है, देख ये देख सकते हैं। अगर मैं ऐसे करूं ये इस तरह से ट्रायंगल शेप में आपको देखने को मिलेगा, और साथ में जो इसका प्लाजो है वो भी इस तरह से ही है, और इसमें नीचे में इस तरह से बॉटम में वर्क है। तो आप जब इसे पहनते हैं तो इसका लुक जो है वो काफ़ी अच्छा आता है साथ में। और प्लाजो जो है वो क्रॉप है यानी कि पूरा आपको फुल लेंथ नहीं होगा, मेरी हाइट 5'5" है तो ये थोड़ा सा क्रॉप आता है। अगर आपको लगे कि प्लाजो छोटा है तो प्लाजो छोटा नहीं है, क्रॉप इसमें दिया गया है। दुपट्टा है वो भी इसी तरह से है, और इसमें भी कुछ इस तरह से सब तरफ से वर्क किया गया है, और ये भी जॉर्जेट मटेरियल है, जॉर्जेट मटेरियल का है। अच्छा, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, आप एक साइड से इसे ले सकते हैं, लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो भी अच्छी है, अच्छी खासी है, पतली वाली नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से है, और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा था, ये कलर भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये दो कुर्तियाँ हो गई। उसके बाद एक और कुर्ती मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने लिया है
मिंत्रा से, उसके बाद मैं फिर से एक और सूट दिखाऊंगी, आलिया कटरी सूट, जो कि मैंने लिया है मीशो से। ये जो कुर्ती है ये मैंने लिया है मिंत्रा से, और ये जो ब्रांड है ये है ऑल अबाउट यू, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, इस पे काफ़ी अच्छा सेल चल रहा था, तो ये जो कुर्ती है ये कुर्ती मुझे कुछ 450 के अराउंड मिल चुका है। जो भी प्राइस होगा वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी। और ये मिंत्रा से है, इसमें और भी कलर अवेलेबल है, आप चाहे तो वो कलर जाके ले सकते हैं। और ये कुर्ती जो है पहनने से काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छा रिच लुक देती है। अच्छा, यहाँ ये जो कुर्ती है इसका जो कलर है ये बॉटल ग्रीन, यानी कि डार्क ग्रीन कलर का है। तो सिंपल सी कुर्ती है, पीछे कुछ ऐसा वर्क नहीं है, लेकिन ये जो लुक कुर्ती का आता है पहनने के बाद वो काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप कुछ अच्छी कुर्ती ढूंढ रहे हैं तो ये वाली कुर्ती आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी है। इसमें जो मेरा साइज़ है वो लार्ज है, और ये काफ़ी लूज़ है, लार्ज है लेकिन लूज़ है। तो आप ये वाली कुर्ती अगर आपको मिलती है ज़रूर ले लीजिएगा। अच्छा, अब ये जो है ये लास्ट कुर्ती मैंने जो मीशो से ली हुई है, ये भी आलिया कट में है, और इसके साथ ही ये इस तरह से कॉटन मटेरियल में है। ये है कुर्ती, और इस तरह से इसमें वर्क बना हुआ है। अगेन ये पर्पल कलर में है, इसमें आई थिंक और कलर अवेलेबल नहीं है। और ये भी कुर्ती काफ़ी देखने में सुंदर है, इस तरह से प्रिंट है इसमें बना हुआ, पूरा प्रिंट है ये, इस तरह से है। और हाथों में इस तरह से गोटा पट्टी का वर्क बना दिया हुआ है, और ये इस तरह से यहाँ पे वर्क है, इस तरह से आप देख सकते हैं। आलिया कट में है ये, और साइड में इसमें भी यहाँ पे स्लिट है, इस तरह से कट है, और काफ़ी अच्छी है ये भी देखने में कुर्ती, बहुत सुंदर लगती है देखने में। कलर भी इसका काफ़ी अच्छा है। इसका जो दुपट्टा है, दुपट्टे में सेम है इसी तरह से, दुपट्टे में भी गोटा पट्टी का वर्क, ये इसका दुपट्टा है, और चारों तरफ से इसमें इस तरह से गोटा पट्टी का वर्क किया हुआ है। और इसकी भी लंबाई अच्छी है, चौड़ाई भी इसकी अच्छी है, और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है ये, तो आप इसे भी ले सकते हैं। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कॉटन भी काफ़ी अच्छा है, कलर भी इसका बहुत अच्छा है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। और इसका जो बॉटम है, बॉटम कुछ इस तरह से है, पैंट स्टाइल में बॉटम है, बहुत ज़्यादा घेर नहीं है, प्लाजो तो नहीं बोल सकते हैं, ये इस तरह से है। और नीचे में इस तरह से गोटा पट्टी का वर्क किया हुआ है, तो ये भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो ये सारी जो कुर्तियाँ हैं, ये सारी कुर्तियाँ काफ़ी अच्छी है देखने में। आगे अगर शादी है घर में, या फिर कोई और फंक्शन है, दिवाली पे ले सकते हैं आप। और जो मैंने पर्पल लिया है, पर्पल में और भी कलर है, आप चाहे तो करवा चौथ के लिए उस कलर को ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, जो मैंने मिंत्रा से कुर्ती ली हुई थी, ये कुर्ती भी आप अगर चाहे तो करवा चौथ के लिए ले सकते हैं। इसमें पिंक कलर है, वो काफ़ी अच्छा है। इसके साथ आप अलग से शरारा ले सकते हैं, प्लाजो ले सकते हैं गोल्डन कलर में, उसे टीम अप कर सकते हैं। इसका लुक जो है बहुत रिच आता है, बहुत अच्छा आता है। 450 का मुझे मिल गया था सेल पे। अभी प्राइस आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, जो भी प्राइस होगा मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो इसे भी एक अब अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं, तो आप इसे भी ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो डू लाइक शेयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।